हेलो दोस्तों, तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एक फेस सीरम का रिव्यू आपके साथ शेयर किया था। उसका टेक्सचर मैंने आपको बताया था, टेक्सचर कैसा है, दिखने में कैसा है, थिकनेस है या पतला है, कैसा है और फेस पर अप्लाई कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने उसमें आपसे बात की थी एंड उसके प्राइस के बारे में भी आपसे बात करी थी। लेकिन उसके बाद मैंने उसे यूज़ किया और इसके बाद मैं आपको लाइव रिज़ल्ट बताने वाली हूँ कि वो सीरम जब मैंने लगाया तो उससे मेरे फेस पर क्या रिज़ल्ट आया है और वो सीरम आपको भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इसके अलावा आपको सीरम यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आप गुड वाइब्स का नहीं, सिरेमाइड के अलावा और कोई सीरम यूज़ करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपको उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपसे डिटेल में बातें करने वाली हूँ। वीडियो स्किप नहीं करना और जो भी चैनल पर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने जब ये परचेस किया था, ये गुड वाइब का नियासिनमाइड B3 एंड विटामिन सी सीरम है, तो मैंने ये जब लिया था तो काफ़ी अच्छा था, कंसिस्टेंसी में और खुशबू में, बाकी सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छा है। बट मैंने इसे लगाया तो मेरे फेस पर अभी तक तो कोई भी ग्लो नहीं आया है, आप खुद भी देख सकते हैं। बाकी मेरी स्किन इतनी फेयर है, बाकी मेरे फेस पर कोई इससे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ा है। बाकी हाँ, इससे मेरे फेस पर पिंपल्स निकल आए थे, मेरे फेस पर 4 पिंपल्स हो गए थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ और एक यहाँ एक यहाँ, अब तो वो ठीक हो गए। बट जब पिंपल्स निकले थे तो मैंने इसे लगाना नहीं छोड़ा था, मैं इसे अप्लाई करती थी रोज़ डे में एंड नाइट में। बाकी इससे मुझे नहीं लगता कि मेरी स्किन पर कोई और इसने इफेक्ट डाला है, कोई अच्छा ग्लो आया है मेरे फेस पर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसी मेरी पहले स्किन थी। बाकी बाद में भी मेरी स्किन वैसी रही है। इसके अलावा भी मैं और पहले भी कई सीरम यूज़ कर चुकी हूँ बट उनसे भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग सीरम यूज़ करते हैं या फिर पैसे उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आई थिंक पैसे वेस्ट करना है। सीरम से आपके फेस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जो आप फेस क्रीम लगाते हैं, जैसे कोजिक एसिड हो गया, रेटिनॉल हो गया और अदर कोई क्रीम होती है, ऐसी क्रीम आप लगाते हैं तो शायद उससे ही कोई इफेक्ट पड़ता होगा, बट मुझे इस सीरम से कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है। और इससे पहले भी मैंने विटामिन सी के बहुत सारे सीरम यूज़ करे हैं एंड इसके बाद मैंने ये विटामिन सी का और नियासिनमाइड B3 का भी सीरम यूज़ किया है, तो मुझे कोई अच्छा फ़र्क नहीं पड़ा, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। हाँ, बस आप जब इसे लगाते हो तो आपके फेस पर जब लगाते हो तो उसके बाद हल्की सी शाइन नज़र आती है, वो भी शाइन जब नज़र आएगी जब आपकी लाइट ऑन होगी, लाइट में जब आप अपने फेस को देखोगे तब वो शाइन नज़र आएगी। बाकी आपका फेस नॉर्मली लगता है, कोई ऐसा खास इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ना ग्लो आया है ना कुछ और हुआ है। बट हाँ, इसने मुझे पिंपल ज़रूर दिए, मेरे फेस पर आज तक कोई पिंपल नहीं हुआ, तो इसे लगाने के बाद मुझे पिंपल ज़रूर निकले, लेकिन मैं डरी नहीं और मैंने इसे लगाना नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे रिज़ल्ट चाहिए था। और कितने पिंपल निकलते हैं या फिर कोई और फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, तो इससे मुझे पिंपल हुए भी और लगाने के बाद वो अपने आप ही पिंपल्स ख़त्म हो गए, बट मैंने ये लगाती रही। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने पैसों को कोई अच्छी सी क्रीम में खर्च कीजिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, फेस पर एक्ने है, कोई कुछ भी है, तो आप अच्छी सी क्रीम खरीदिए। बाकी सिर्फ में पैसे वेस्ट करना है, मुझे नहीं लगता कि सिरम लगाना कोई ठीक है, इससे ग्लो मिलता है। मैंने भी बहुत लोगों की बातें सुनी है, वीडियोस देखे, तब मैंने ये सिरम लिए बट मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आई थिंक मैं भी आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि सिरम में पैसे बर्बाद ना करें। कोई भी सिरम हो, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कोई अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो इसलिए और आज का रिव्यू इसके लिए था, तो इसने मुझे स्किन पर कोई भी ग्लो नहीं दिया है। सो इसमें पैसे बर्बाद करना है तो आप भी मत कीजिएगा पैसे बर्बाद अपने किसी भी सिरम में। सो आज का रिव्यू इतना ही था, तो आई होप कि आज की जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो ठीक लगे तो प्लीज़ उस लाइक ज़रूर करना और आपकी क्या राय है इस चीज़ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।